Hello, first of all, please like, share and subscribe my channel. We are discussing about the types of interaction between communities. Actually, this is also called abiotic interactions. First of all, we are discussing about the interspecific competitions. Interspecific competition means two and more species compete for our resources that is in a short supply. ठीक है, दो स्पीसीज हैं जिनको सेम रिसोर्सेज चाहिए और वो कम अमाउंट्स में हैं, तो वो एक रिसोर्सेज के लिए जब दो स्पीसीज कम्पीट करेगी तो उनमें दोनों को हार्म होगा. तो ये एक हिसाब से ये इंटररिएक्शंस इंटर स्पेसिफिक इंटररिएक्शंस कहलाता है. इसमें दोनों को हानि होगी इसलिए दोनों को हार्म होगा इसलिए माइनस माइनस इंटररिएक्शंस भी इसको बोल सकते हैं. टू एंड मोर स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट इज इन अ शॉर्ट सप्लाई. तो एक ही चीज दो स्पीसीज के लिए होगी और वो भी शॉर्ट सप्लाई में, तो दोनों को हार्म हो सकता है. ठीक है, तो ये माइनस माइनस इंटररिएक्शंस कहलाता है. और इंटर स्पेसिफिक है तो देन दो एंड मोर, दो डिफरेंट स्पीसीज के बिटवीन में जब उनकी सेम रिसोर्सेज से कम्पीट हो. नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द प्रीडरेशन. प्रीडरेशन वन स्पीसीज दैट प्रीडरेटर किल्स इट्स अदर लाइक प्रे. प्रे मतलब एक सबसे होस्ट, प्रे होस्ट एक ही बात है, प्रीडेटर. जब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को नष्ट कर देगी तो एक स्पीसीज को फायदा और दूसरी को हानि, तो ये प्लस माइनस इंटररिएक्शन है, इसे प्रीडेटर इंटररिएक्शंस कहते हैं. तो एक इस वन स्पीसीज जो कि प्रीडेटर की तरह कार्य करेगी, जो कि किल कर देगी अदर स्पीसीज को, वो होगी प्रीडरेशन. ठीक है, इस कॉल्ड प्लस माइनस इंटररिएक्शंस आल्सो. नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द हर्बीवॉरी. हर्बीवॉरस इज पार्ट ऑफ अ प्लांट और एल्गी. लाइक जैसे रैबिट प्लांट्स को खाता है, वही इंटररिएक्शंस है, एक को फायदा दूसरे को हानि, देन आल्सो कॉल्ड अ प्लस माइनस इंटररिएक्शंस. हर्बीवॉरस जो भी होगा वो शाकाहारी है, हिंदी में ईट्स करेगा कोई भी प्लांट या एल्गी को, तो वो हर्बीवॉरी के अंडर इंक्लूड होगा. सिम्बायोसिस इंडिविजुअल ऑफ टू एंड मोर स्पीसीज दैट लिव्स इन अ क्लोज कॉन्टेक्ट विथ वन एंड अनदर. दो स्पीसीज हैं, एक से अधिक, दो या दो से ज्यादा स्पीसीज हैं जो कि सेम एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं. उनमें फोर टाइप इंटररिएक्शंस हो सकती हैं, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमन सेलिज्म एंड एमन सेलिज्म. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब दो या दो से अधिक स्पीसीज एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट में रहती है, तो उनमें सिम्बायोसिस इंडिविजुअल ऑफ टू और मोर स्पीसीज दैट लिव इन अ कॉन्टेक्ट विथ वन एंड अनदर. पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमन सेलिज्म. पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमन सेलिज्म. सो जब दो या दो से अधिक स्पीसीज एक साथ रहेगी तो उनमें ये फोर टाइप्स एसोसिएशन होंगे. पैरासिटिज्म, द पैरासाइट ड्राइव्स इट्स न्यूरिशमेंट फ्रॉम अ सेकेंड ऑर्गेनिज्म इट्स होस्ट विच इज हार्म. तो पैरासाइट्स क्या होता है कि नरिशमेंट फ्रॉम अ सेकेंड ऑर्गेनिज्म से लेता है, इट्स होस्ट विच इज हार्म, जिसमें होस्ट जो होता है वो हार्म होता है. लाइक हम पेडिकुलस की बात करें जो कि दूसरे को नष्ट कर देते हैं, तो पैरासिटिज्म में एक को प्रॉफिट है दूसरे को हानि है. और ये नरिशमेंट एंड पोषण, नरिशमेंट और नरिशमेंट दूसरे अपने होस्ट से प्राप्त करते हैं. और मोस्टली जो प्रीडरेटर होता है उसका साइज बड़ा होता है होस्ट से. ठीक है, दैट कॉल्ड अ पैरासिटिज्म. ठीक है, प्रीडरेशन में तो क्या था कि प्रीडरेटर्स दोनों को वन स्पीसीज ऑफ प्रीडरेटर किड्स ईट्स एंड द प्रे, तो उसमें तो साइज इक्वल हो सकते हैं प्रे और प्रीडरेटर के. लेकिन पैरासिटिज्म कंडीशंस में डिफरेंस ये है कि इसमें मोस्टली प्रीडरेटर का साइज होस्ट से बड़ा होता है और जो प्रीडरेटर होता है वो होस्ट से नरिशमेंट प्राप्त करता है. और इसमें प्रीडरेटर को नरिशमेंट मिल रहा है तो उसको फायदा हो रहा है, इसलिए ये प्लस और माइनस इंटररिएक्शन है, क्योंकि प्रीडरेटर को फायदा है और होस्ट को हानि. Then it's also called a plus minus interactions. The parasite derives its nourishment from a second organism, its host. जो कि second organism कौन होगा? Host होगा, जिसे वो harm करेगा. और इसका size में parasites का mostly predator जो भी होता है उसका size बड़ा होता है.
प्रीडरेशन कंडीशन में इक्वल होता है लेकिन इसमें अलग होता है. अब नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम द इंटररिएक्शंस. लाइक एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट्स में नाइट्रोजन प्लांट्स को सप्लाई करता है और प्लांट्स उन्हें मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है. तो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल रही है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को प्लांट से नरिशमेंट्स मिल रहा है. तो बोथ आर बेनिफिट्स, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अ म्यूचुअलिज्म. ठीक है, प्लस प्लस इंटरेक्शन बिकॉज बोथ स्पीसीज आर बेनिफिट फॉर दिस इंटरेक्शन. एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ प्लांट एंड माइकोराइजा. माइकोराइजा प्लांट्स में इसमें क्या होता है कि माइकोराइजा वातावरण से नमी ह्यूमिडिटी लेके प्लांट्स को दे देती है और प्लांट्स उसे नरिशमेंट देते हैं. तो बहुत सारे बेनिफिट्स प्लांट्स एंड माइकोराइजा एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड फर्दर ऑल्सो एग्जाम्पल्स आर इंक्लूडिंग इन म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द कॉमन सेलिज्म. कॉमन सेलिज्म में वन स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम द इंटररिएक्शन व्हाइल द अदर इज अनअफेक्टेड. एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा, दूसरी स्पीसीज को ना बेनिफिट. नो प्रॉफिट नो लॉस. वन स्पीसीज गेट बेनिफिट्स एंड अदर स्पीसीज नो बेनिफिट्स एंड नो लॉस. इज कॉल्ड अ प्लस एंड जीरो इंटररिएक्शन. एक को फायदा है, दूसरे को ना फायदा है ना नुकसान है. तो कॉमन सेलिज्म में यही है, वन स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम द इंटररिएक्शन एंड व्हाइल अदर इज अनअफेक्टेड. नो बेनिफिट नो है. एपिफाइट्स लाइक ऑर्किड्स पे जो एपिफाइट्स होते हैं वो एपिफाइट्स लाइक ऑर्किड्स को बोलते हैं. ये प्लांट्स जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके सारे ऊपर बढ़ते हैं और ये प्लांट वातावरण से नमी ले लेते हैं और उनके सारे ऊपर बढ़ते हैं. तो प्लांट्स को तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बट उसके सारे ऑर्किड ऊपर जा रहा है प्लस उसको नरिशमेंट्स और मिल रहा है तो इसको फ़ायदा हो रहा है. तो वन इज बैड बेनिफिट्स एंड अदर इज नो बेनिफिट नो हार्म्स. सो कॉल्ड अ कॉमन सेलिज्म. नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द एमन सेलिज्म. दिस वर्डिंग ऑल्सो सिमिलर लाइक दैट बट इज डिफरेंट. एमन सेलिज्म इज अ इंटररिएक्शन इन विच वन पार्टिसिपेंट इज हार्म बट अदर इज इन्फेक्ट. उसमें एक को बेनिफिट हुआ था, दूसरे को नो बेनिफिट नो लॉस इन कॉमन सेलिज्म. बट इन एमन सेलिज्म कंडीशंस वन इंडिविजुअल इन एमन सेलिज्म इंटररिएक्शंस विच पार्टिसिपेंट्स वन पार्टिसिपेंट्स इज हार्म एंड अदर इज अनइफेक्टेड. एक को नुकसान होगा, दूसरे को ना नुकसान ना फायदा. वन इज हार्म एंड अदर इज नॉट प्रॉफिट एंड नॉट लॉस. उसमें एक को प्रॉफिट है, दूसरे को नो प्रॉफिट एंड नो सॉरी एमन सेलिज्म में एक को लॉस है, दूसरे को नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. मीन्स एक जीरो और माइनस. एक को हार्म है, दूसरे को नो हार्म नो बेनिफिट्स. इज कॉल्ड एमन सेलिज्म. द एग्जाम्पल ऑफ एमन सेलिज्म इज क्लोरेलिन. क्लोरेलिन सिक्रेटेड बाय अ क्लोरेला वल्गेरिस विच कॉजेज द डेथ ऑफ अदर एल्गी. तो इसमें क्या होता है, ये सिक्रेट किया जिसकी वजह से प्लांट, जैसे हमने कुछ रिवर्स को फ्रेश करने के लिए क्लोरेलिन डाल दिया तो उससे दूसरे को तो एल्गी तो नष्ट हो गई. तो एल्गी को तो नुकसान हुआ लेकिन अपने को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ. तो एग्जाम्पल हो जाएगा एमन सेलिज्म का. तो सिक्रेटेड बाई क्लोरेला विच कॉज द डेथ ऑफ अदर एल्गी इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ एंटाबायोसिस. ठीक है, दिस टाइप ऑफ इंटररिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म जो हमने पहले डिस्कस किया था उसके थोड़े एग्जाम्पल बताने रह गए थे. परमानेंट पैरासाइट्स जो कि हमेशा परमानेंट रहते हैं, एस्केरिस और टैपवर्म. टेम्परेरी पैरासाइट्स क्लॉस्ट्रिडियम लार्वा और फ्रेश वाटर स्नेल्स. फाइटोपैरासाइट्स राइनोसेरस बैटल ऑन कोकोनट ट्रीज. एक्टोपैरासाइट्स जो कि ह्यूमन पेडिकुलस और लीच, जो कि एक्टोपैरासाइट्स में आएंगी जो कि बाहर से पोषण लेती है. एंडोपैरासाइट्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं लाइक लीवर फ्लूक एंड टैपवर्म. इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स लाइक ट्रिपेनोसोमा एंड प्लास्मोडियम. इंटरसेलुलर इज अ मोनोसाइट्स. तो इंटर मोनोसाइट्स हो गया, इंट्रा मतलब एक ही में, ट्रिपेनोसोमा और पैलेडियम हो गए. एंडो जो हमारे बॉडी के अंदर है लीवर फ्लूक और टैपवर्म. एक्टो जो बाहर से ह्यूमन पेडिकुलस लेस. जू पैरासाइट्स में अपनी एस्केरिस आ जाएंगे, एस्केरिस और टैपवर्म जो कि परमानेंट पैरासाइट्स होते हैं. टेम्परेरी जो कि नॉर्मली पैरासाइट्स नहीं है लेकिन कुछ कंडीशंस में पैरासाइट्स के लाइक बिहेव करते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम और फ्रेश वाटर स्नेल. फाइटो पैरासाइट्स जो कि प्लांट्स पे पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, राइनोसेरस बैटल ऑन कोकोनट ट्रीज. थैंक यू. आई होप यू